नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है A1D1 एक्स टाइमर, मैं इसके बारे में आपको कनेक्शन कैसे हम इसको सर्किट में लगाते हैं, किस तरह से इसके कनेक्शन करते हैं और इसमें कितनी रिले होती हैं और कॉमन NC और NO कौन सा होता है, ये जानकारी और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। इसमें हमारी जो सेटिंग 3 सेकंड से 30 मिनट तक की सेटिंग होती है, इसमें उस सेटिंग को हम कैसे करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो तो इसमें 30 मिनट या ये पीछे वाली जो मिनट है और यहाँ 30 है, तो हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और इसके कनेक्शन कैसे कराएंगे और इसको हम सर्किट में कैसे लगाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल से जुड़ी तमाम वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, आपका टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास में A1 डीमर एक्स टाइमर है और पहले मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको। आप क्लियर देख पा रहे हो A1 और A2 क्या है, सोर्स A1 A2 24 वोल्ट से 240 वोल्ट AC 50 से 60 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हमारी रिले, 15 नंबर इसमें कॉमन है और 16 NC है और 18 इसका NO है। 25 नंबर पे सेकंड रिले है हमारी, 25 कॉमन है और 26 इसका NC और 28 NO। इसकी ये टाइम रेंज जो सेटिंग है इसकी 3 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। तो इसको हम सर्किट में कैसे लगाते हैं, पहले मैं इसको कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। कनेक्शन के लिए मेरे पास में एक MCB और एक ये कूलिंग पैनल कूलिंग फैन, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इससे इसको ऑपरेट कराऊंगा। आप सर्किट के हिसाब से इसको कहीं भी लगा सकते हो। 3 सेकंड से 30 मिनट तक A1 डीमर एक्स टाइमर, ठीक है। तो मैं पहले इसका कनेक्शन करता हूँ। ये इसकी आप देख रहे हो A1 25 नंबर, 15 नंबर, ये दोनों कॉमन। 15 नंबर एक रिले है और दूसरी रिले है 25, तो इसका जो 15 और 25 है ये है कॉमन। NC है 25 का 26 और इसका 15 का 16 NC है और इसका 28 NO है और इसका 18 NO, ठीक है। और दूसरी इसकी जो टाइमर की कॉइल है A1 और A2 दो टर्मिनल हैं जो टाइमर का इनपुट सप्लाई, जिससे ये टाइमर ऑन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका टाइम ना ख़राब करते हुए सीधा इसके करेक्शन करते हैं। कूलिंग फैन को थोड़ा पीछे साइड करके और मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। ये कूलिंग फैन का न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट लगा दिया और दूसरा जो वायर है मैंने NC में लगा दिया रिले 1 के, ठीक है। मैंने एक बार या इधर ये
A1 पे लगा दिया और A1 से ही मैंने लूप दे दिया इसके कॉमन के लिए, ठीक है। रिले 2 के NO कॉमन पे लगा दिया मैंने 25 नंबर पर, और दूसरा वायर रिले 1 के 15 नंबर कॉमन पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हो, ये इनपुट सप्लाई के लिए एक वायर कनेक्ट कर दिया मैंने, ये विलो, और वहीं से लूप इन दोनों रिलेओं के कॉमन पर दे दिया। ये NC जो फर्स्ट रिले 15 से जो 16 नंबर NC है हमारा, उससे मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया जो फैन का वायर है, दूसरा मैंने न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब इसका जो वायर था सेकंड वाला, हम उसको फेस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने फेस को कनेक्ट कर दिया, अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है। मैंने सप्लाई को ऑन करा, हाँ ये क्या था हमारा, एक जो वायर था हमारा वो गलत मैंने A2 पर नहीं लगाया उसको, गलत ने ये, हाँ A2 पर लगा दिया, यहाँ, और जो एक फेस वायर था मैंने उसको न्यूट्रल फेस। अब हम इसको टाइमर को ऑन करते हैं, मैं MCB को ऑन कर रहा हूँ, हमारा टाइमर ऑन हो गया और फैन हमारा जो कूलिंग फैन था वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों ये क्या थी हमारी अभी सेटिंग, 30 मिनट में हो रखी है इसकी, तो ये सेटिंग 3 सेकंड से 30 मिनट तक, तो पहले हम इसको 3 सेकंड सेट करते हैं। देख रहे हो मैंने, हाँ तो ये अभी क्या हमारी सेटिंग इस कंडीशन में आ चुकी है दोनों, और ये 3 सेकंड में है। मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, दोबारा हम इसको रीसेट करेंगे, पावर को ऑन करेंगे और हमारा ये स्टार्ट हो गया। मैं इसकी सेटिंग को और बढ़ा देता हूँ, अब इसको ऑन करेंगे हम, कूलिंग फैन हमारा स्टार्ट हो गया, और ये क्या सेटिंग है हमारी, 3 सेकंड तक है, ठीक है। सेकंड सेटिंग हमारी क्या है, 30 सेकंड। मैं इसको ऊपर की तरफ अगर करता हूँ तो ये हमारी क्या होगी, 30 सेकंड, जैसा आप यहाँ देख रहे हो इसमें दिखाई दे रहा है 30 सेकंड, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, सप्लाई ऑन करता हूँ इसकी, तो ये कितना रहेगा, 30 सेकंड तक। ठीक है दोस्तों, 30 तक था, मैंने 10 पर कर दिया और टाइमर हमारा ऑफ हो गया। अब हमारी जो तीसरी सेटिंग है 3 मिनट, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ और इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी क्या है ये 3 मिनट जो सेटिंग है हमारी, और मैं इसको घुमा कर टाइम कम कर देता हूँ जिससे वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, तो ये 5 और 0 के बीच में, ठीक है। जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑन करा, टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया। अभी क्या है हमारी जो सेटिंग है 3 मिनट, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो 3 मिनट, मैं इसका टाइम और कम करता हूँ, हाँ, और हमारा ये टाइमर बंद हो गया। अब NC से नहीं, NO से आउट हो रही है,
ठीक है। अब इसकी जो लास्ट सेटिंग है ये है, अगर हम इसको भी अगर ऊपर की तरफ कर देते हैं तो क्या 30 मिनट का तक ये टाइमर हमारा काम करेगा। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, और आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा चैनल अभी तक स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी तमाम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।